कुदरत की बनाई संरचना का कोई विकल्प नहीं। इंसान पहले स्वतः ही प्रकृति का दोहन करता है, बाद में उसी नुकसान की पूर्ति के लिए निर्माण। प्रकृति को निचोड़ने का सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि कुदरत नाम की चीज मानव निर्मित कंक्रीट के जंगल में कहीं सिमट कर रह जाती है। इंसान पहले गलती करता है और शायद उसी को देखकर और भी बड़ी गलतियां। चेन्नई में आई बाढ़ और लातूर में जल संकट की त्रासदी एक नमूना मात्र है। अभी तो देश के कई हिस्से बाकी हैं, हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुड़गांव एक और लातूर बनने को तैयार है। गुड़गांव एक ऐसा शहर जिसने बेहद तरक्की की, निर्माण कार्यों की भरमार लगा दी गई, ऊंची इमारतें इस शहर की पहचान बन चुकी हैं, मगर इसी तरक्की ने प्राकृतिक स्रोतों से जमकर खिलवाड़ किया। झीलों के रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर दिए गए, प्राकृतिक रूप से बने ड्रेनेज की अनदेखी की गई और आज हालात बद से बदतर हो चुके हैं। शहरीकरण और उद्योगीकरण के नाम पर किए जाने वाले विकास ने नेचुरल वाटर बॉडी का अस्तित्व ही संकट में डाल दिया है। 2004 से 2014 की वाटर टेबल रिपोर्ट के मुताबिक पानी का स्तर हर वर्ष 1.5 से 2 मीटर नीचे जा रहा है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि एक समय गुड़गांव में 214 वाटर बॉडी थे, जिनमें अब कागजी तौर पर सिर्फ 64 ही बचे हैं। मगर एक भयावह सच यह भी है कि इनमें से कुछ नाले में तब्दील हो चुके हैं तो कुछ पूरी तरह सूख चुके हैं और इसे डार्क जोन घोषित किया जा चुका है। इनके पीछे जिम्मेदार कौन है, इसे समझना मुश्किल नहीं। इस झील के पास निर्माण कार्य बिना प्रशासनिक इजाजत के बगैर तो नहीं ही हो सकता। पानी का बहाव हाई लैंड से होते हुए लो लैंड की तरफ होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। प्रकृति ने अपने आप को इस तरह से निर्मित किया है जिससे बरसात का पानी नेचुरल ड्रेन के माध्यम से वेट लैंड में जाकर इकट्ठा हो जाए और भूजल को भी रिचार्ज कर सके। मगर गुड़गांव का दुर्भाग्य ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। आइए ले चलते हैं हम आपको एक ऐसे सच की ओर जिसे हमने बेहद करीब से समझने की कोशिश की। आप भी समझिए, मिलकर करें इस चुनौती का सामना, मिलकर करें एक कोशिश, मिलकर आवाज उठाएं, मिलकर बदले गुड़गांव को। प्राकृतिक रूप से स्वतः ही निर्मित गुड़गांव का घाटा झील, बादशाहपुर झील और खांडसा तालाब आपस में नेचुरल ड्रेन के माध्यम से कभी जुड़े हुए थे और उसका पानी जाकर दिल्ली में मिल जाया करता था। बहुत हद तक यह गुड़गांव के भूजल को भी रिचार्ज करने में सहायक थे, मगर आज ये अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं। यह वह नेचुरल ड्रेन है जिससे होकर बरसात का पानी घाटा झील में जाकर मिलता था, मगर आज किसी गंदे नाले में बदल चुका है। इसके नेचुरल बहाव के रास्ते में पारस डाउनटाउन सेंटर और वैली व्यू अपार्टमेंट खड़ी कर दी गई है, रोजाना जिनका बेहिसाब मैला इन्हीं में जाकर मिलता है। थोड़े से बरसात में पूरी सड़क इसी गंदे पानी से सराबोर हो जाती है।
हमारी समझ से तो ये कहीं न कहीं गलत नीतियों का परिणाम है। कभी पशु पक्षियों का ठिकाना रहा यह घाटा झील आज खुद के ठिकाने को ढूंढ पाने में अक्षम है। सिंचाई विभाग के लिखित शिकायत के बावजूद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने हाई राइज बिल्डिंग को वहां निर्माण की इजाजत दे दी, जिसका परिणाम नेचुरल बहाव पूरी तरह से रुक गया। यही नहीं, इसके बावजूद भी हाल ही में घाटा झील की जमीन रियल एस्टेट बिल्डर आईवीओ को बेच दी गई, जहां उसने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया है। अब इतना तो कोई भी सोच सकता है कि आईवीओ क्यों खुद की खरीदी जमीन पर बाहर का पानी आने देगा। अब इसे गुड़गांव की विडंबना ही कहिए, घाटा झील के भरने से बरसात का पानी घाटा गांव से पूरे दबाव के साथ मानव निर्मित बादशाहपुर ड्रेन में जाता है और ओवरफ्लो होने से हीरो होंडा चौक सेक्टर 34, 37, बसई, गाड़ौली, धनकोट में जल भराव हो जाता है। का दूसरा दुखद पहलू यह भी है कि किस तरह से हमने प्राकृतिक ड्रेन को नष्ट कर दिया, फिर करदाताओं के पैसे से मानव निर्मित ड्रेन का निर्माण किया और उसमें भी हमने इतनी खामी छोड़ दी कि एक बार फिर करदाताओं के पैसे से उसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं बादशाहपुर झील की ओर। गूगल मैप में दिखने वाली यह जगह पूरी तरह से पानी से भरी हुई नजर आती है, मगर वास्तव में यहाँ पानी का नामो निशान तक नहीं है। दूर दूर तक कचरों का ढेर और ऊंची इमारतें ही नजर आती हैं। बिल्डरों ने बादशाहपुर झील में से झील का इस्तेमाल बिल्डिंग बनाने में कर ली और बचा रहने दिया बस बादशाहपुर। इससे ज्यादा हम प्रकृति का क्या दोहन करेंगे। बादशाहपुर नेचुरल ड्रेन का यह एक हिस्सा है जिसे स्थानीय लोग नाला बताते हैं, आबादी की बोझ में दबसा गया है। आगे जाने पर हमें इतना दिलासा जरूर मिलता है कि बादशाहपुर नेचुरल ड्रेन अभी भी घुटे हुए सांस लेते कम से कम जिंदा है और एसटीपी के ट्रीटमेंट के बाद इसमें पानी छोड़ा जाता है। मगर अफसोस, आगे आने पर जितनी गंदगी इसमें बहाई जा रही है उससे बस इतना ही समझ आता है कि एसटीपी जितना पैसा पानी के ट्रीटमेंट में लगाता है वह न लगता तो जनता का पैसा बर्बाद न होता। इन स्थिति को देखते हुए भी बादशाहपुर नेचुरल ड्रेन का पानी जिस तरह से बह रहा था उससे लगा कि खांडसा के तालाब तक इसका पानी जरूर पहुंचता होगा, मगर यहां भी हमें निराशा ही मिली। स्थानीय लोगों को तो इस तालाब के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो खांडसा तालाब के बारे में पूछने पर उन्होंने अपनी आँखें आश्चर्य से चौड़ी कर ली। हमारे पास गूगल मैप के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
मगर जितना पानी गूगल दिखा रहा था, अगर उसका एक तिहाई भी होता तो सुकून मिलता। मगर अफसोस, यहाँ भी दूर दूर तक सूखे के अलावा और कुछ नहीं दिखा। यही हमारे गुड़गांव की आज की हकीकत है। अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हुडा अथॉरिटी को कंक्रीट के ड्रेन बनाने के लिए फटकार लगाई है। आपको बताते चले कि कंक्रीट का यह ड्रेन गुड़गांव का भू जल स्तर बढ़ाने में कहीं से सक्षम नहीं है। हमें भी अब कतरा कतरा पानी को तरसने से पहले जागने की जरूरत है। आइए जागें, मिलकर आवाज उठाएं, मिलकर एक नया गुड़गांव बनाएं। चलते चलते अंत में आपके लिए फिल्म जाने भी दो यारों का एक दृश्य जो हमारी ड्रेन सिस्टम की हकीकत बयां करता है, एक बार सोचें जरूर। अमेरिका से इस बार तो तुमने बहुत दिन लगा दिए। ओ यस, काम ही कुछ ऐसा था। उधर का ड्रेनेज सिस्टम, यू नो, गटर सिस्टम स्टडी करता था। क्या बात है अमेरिका का। उधर पीने का पानी अलग और गटर का पानी अलग। हम लोग बहुत पीछे हैं।